वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज हम देखिए यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये एक गैस रेगुलेटर है और इसके सारे पार्ट्स हमने एक एक करके क्रिएट करके फिर इसको असेंबल किया है। देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल पार्ट्स है जो हम एक एक करके हर वीडियो में बनाने वाले हैं। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स हम क्रिएट करेंगे और उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे, क्योंकि इसका एक साथ असेंबली के सारे पार्ट्स बनाने जाएंगे एक वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको एक एक पार्ट के अलग अलग वीडियो हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट क्रिएट करेंगे। ये जो मेन पार्ट है जो वो हम सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब फिर से यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है आपको। देखिए इस तरह से लाइन टूल से हमने इस तरह से एक स्केच ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी हाइट रहेगी 2.5 mm। यहाँ पर सारे डायमेंशन हम मिलीमीटर में अप्लाई करने वाले हैं। फिर यहाँ पर इस लाइन से इस सेंटर लाइन का फुल डायमीटर 30 mm। फिर यहाँ पर इस लाइन से इस सेंटर लाइन का फुल डायमीटर रहेगा 33 mm। फिर यहां से इस लाइन का इसका फुल डायमीटर रहेगा 26 mm। और फिर यहां से इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 17 mm। आपको इसका 2D ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपली इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की होल्ड करके फिर यहां पर इसे कोलिनियर कर देना है। अब फिर से इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे भी कोलिनियर कर देना है। अब सिंपली इस लाइन को और यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देना है। इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसे इक्वल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और यहां पर रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह से देखिए रिवॉल्व हो जाएगा और सिंपली इसे ओके कर देना है। अब यहां पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच यहां से इसका व्यू चेंज करेंगे हम। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी, फिर यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहां पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से दो लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे। फिर से आपको लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। अब इन दोनों के बीच का गैप हमें अप्लाई करना है 12 mm। यहाँ पर मिरर एंटिटी अब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर मिरर अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करनी है और फिर ओके कर देना है। ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, यहां पर पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे, अननेसेसरी जो लाइन है जो आर्क है इसे डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है। अब यहां पर इसका व्यू चेंज करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है।
यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अप टू सरफेस, तो हमें अप टू सरफेस में इस सरफेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे में डायरेक्शन टू, इसे भी सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर भी अप टू सरफेस करना है, और इस बार यहाँ पे बॉटम वाली फेस हमें सिलेक्ट करनी है, और फिर सिंपली ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे हम, इसकी साइज रहेगी 2 mm। यहाँ पर देखिए इनसाइड जो एजेस है उन्हें सिलेक्ट कर देना है हमें। इसी तरह इस साइड में हम यहाँ पर भी फिलेट अप्लाई करेंगे। तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट लूप करेंगे, तो ये फुल इसकी सारी एजेज ऑटोमेटिक सारी सिलेक्ट हो जाएगी, और सिंपली ओके कर देना है। फिर से हम फिलेट अप्लाई करेंगे टॉप में, इस वाली फेस पर हमें फिलेट अप्लाई करना है। तो फिलेट में देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए इसका पैरामीटर सिमेट्रिक है, तो हम असिमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, और इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 1 mm, और यहाँ पर 16.499 ये साइज हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अब आपको इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, आउटर एज को, देखिए इस तरह से, और फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से इसका शेप कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, थोड़ा सा हमने कर्व इसका शेप दे दिया है। बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, फिर यहाँ पर सेंटर सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, इनके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे 10 mm, और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 6.5 mm, और सिंपली ओके करना है। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है हमें, यहाँ पर ब्लाइंड कंडीशन, तो इसकी हाइट हमें अप्लाई करनी है 16 mm, और फिर ओके करना है। अब हम यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे, तो रेफरेंस प्लेन में आपको जाना है, ड्रॉप डाउन में यहाँ पर प्लेन एक्टिवेट करना है। यहाँ पर देखिए प्लेन एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये कंपोनेंट है इसे जूम करेंगे, जूम इन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक फेस दिखेगी, बहुत ही छोटी सी फेस है, इसे सिलेक्ट कर देना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका डिस्टेंस रखना है हमें 12 mm, और फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये प्लेन हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको जूम करेंगे और इसकी साइज बढ़ा देंगे, क्योंकि वो फेस भी छोटी सी है, इसलिए इसकी वजह से इस प्लेन की साइज भी छोटी हमें दिखने वाली है, तो हम इसे इंक्रीज कर देंगे, इस तरह से साइज बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर इसे एडिट स्केच, यहाँ पर इसे अभी हाइड कर देते हैं हम। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर सर्कल, ओरिजिन पॉइंट से हमें इसे ड्रॉ करना है, और इसकी साइज रखनी है हमें 12 mm, इसका डायमीटर 12 mm हमें अप्लाई करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, रिवर्स साइड, और यहाँ पर आपको सिंपली अप टू नेक्स्ट कर देना है, और फिर ओके कर देना है। फिर से यहाँ पर स्केच,
स्पेस पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 13.8 mm. फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, यहां पर इसकी साइज ब्लाइंड कंडीशन 10 mm इसकी हाइट रखनी है और फिर ओके करना है। स्पेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और यहां पर सिंपली डायरेक्शन वन में हमें थ्रू ऑल कर देना है और फिर ओके करना है। देखिए इस तरह से यहां पर होल, थ्रू होल हमें यहां पे क्रिएट कर देना है। अब सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। इसका आउटर डायमीटर रहेगा 8.3 mm। एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, ब्लाइंड कंडीशन और इसकी डेप्थ रहेगी 17 mm। सिंपली ओके कर देना है। इसका हाफ सेक्शन हम देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब यहां पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, फिर यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है। इसका डायमीटर हमें अप्लाई करना है 11 mm। सिंपली फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। इसकी लेंथ रहेगी 6.5 mm। फिलेट अप्लाई करेंगे, यहां पर सिमेट्रिक फिलेट हमें सिलेक्ट करनी है 1 mm और यहां पर देखिए इसकी इनसाइड एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच और यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। इसकी हाइट रखेंगे हम 6 mm और यहां पर इसका फुल डायमीटर रहेगा 9.5 mm। देखिए इस तरह से ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाना है और यहां पर रिवॉल्व कट अप्लाई करना है और फिर ओके कर देना है। हाफ सेक्शन में देखिए हम देखेंगे, यहां पर देखिए हमने जो रिवॉल्व कट यहां पे अप्लाई किया था वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब यहां पर हम चैम्फर अप्लाई करेंगे, यहां पर इसकी साइज रखेंगे 0.5 mm। यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब हम यहां पर थ्रेड अप्लाई करेंगे इनसाइड में, तो सिंपली आपको होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में जाना है और यहां पर थ्रेड वाला फीचर है इसे एक्टिवेट करना है। यहां पे देखिए फीचर ट्री मैनेजर में कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, तो सबसे पहले थ्रेड लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है।
तो हम थ्रेड लोकेशन में यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर इसकी फेस सिलेक्ट करनी है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहां पर अप टू सिलेक्शन, एंड कंडीशन कौन सी रखनी है, अप टू सिलेक्शन में हम इसकी एंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहां पर इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 10x1 mm। अब देखिए हमें यहां पर इनसाइड में ये थ्रेड अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए आपको इसका टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इसका टाइप सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक टैप, मैट्रिक टैप सिलेक्ट करेंगे तभी इनसाइड में यहां पे थ्रेड अप्लाई होंगे। अगर आपने यहां पर मैट्रिक डाई सिलेक्ट किया तो यहां पर थ्रेड अप्लाई नहीं होंगे। मैट्रिक डाई आउटर थ्रेड के लिए है और मैट्रिक टैप इनसाइड थ्रेड के लिए है। तो हम यहां पर मैट्रिक टैप अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर ऑफसेट, तो इसके ऑफसेट में हम 2 mm ऑफसेट रखेंगे ताकि इसकी जो शार्पनेस है वो कुछ हमें अच्छी दिखे, इसलिए इस तरह से 2 mm आउटनेस रखेंगे, आउटर ऑफसेट रखेंगे। और यहां पर इसका भी ऑफसेट हम 1 mm अप्लाई करेंगे और सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर ओके कर देना है। सेक्शन व्यू और फिर ओके करेंगे, तो देखिए यहां पे थ्रेड हमें अप्लाई कर दिए, इस तरह से हमें शो होंगे। फिर से यहां पर चैम्फर अप्लाई करनी है हमें, तो चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर में हम यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 0.5, ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइप की हुई है। अब आपको ये वाली एज सिलेक्ट करनी है और फिर ओके कर देना है। अब हम आउटर थ्रेड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर थ्रेड फीचर एक्टिवेट करेंगे। थ्रेड फीचर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन, तो इसका लोकेशन हम इस सर्कल को हमें सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसकी फेस हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर अप टू सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर अप टू सिलेक्शन में हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक टैप, तो मैट्रिक टैप यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे मैट्रिक डाई, क्योंकि हमारे थ्रेड आउटर साइड में है इसलिए यहाँ पर मैट्रिक डाई हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसकी साइज 10x1 mm, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे यही साइज अप्लाई करनी है। अब हम यहाँ पर ऑफसेट, तो ऑफसेट 2 mm रिवर्स साइड में और यहाँ पर ऑफसेट 1 mm इन साइड में, सिंपली ओके कर देना है। देखिए तो ये है ना, ये देखिए ये इस तरह से हमें अप्लाई कर दिए थ्रेड। अब हम यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे, तो रेफरेंस प्लेन यहाँ पे एक्टिवेट करना है। यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसका डिस्टेंस रखेंगे 22 mm, फिर ओके कर देना है। स्केच को सिलेक्ट करना है, स्केच यहाँ पर प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपली इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। अब आपको यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, सॉरी इसकी साइज अप्लाई करेंगे 11 mm। यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल वर्टिकल सेट करना है। यहां पे स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे इस बॉटम वाली एज को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सर्कल के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज रखनी है 25 mm।
फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। यहां पे रिवर्स करेंगे। अब यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है अप टू नेक्स्ट। तो देखिए ये इस तरह से इसके साथ कंप्लीटली मैच हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और सिंपली ओके कर देना है। इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच और एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 7 mm। फिर यहां पर इसे एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। अब यहां पर भी अप टू नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए यहां पे हाफ सेक्शन, ये देखिए इसके साथ ये मैच हो गया है। अब हम यहां पर फिलेट अप्लाई करेंगे, तो फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट एक्टिवेट करने के बाद यहां पर इसकी साइज 1 mm अप्लाई करेंगे इस एज पर और फिर ओके कर देंगे। फिर से हम यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। अब इस बार 1 mm यहां पर साइज अप्लाई करनी है और इस एज को सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके कर देना है। अब यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 16.5 mm। फिर आपको इस वाले होल को, देखिए यहां पर इस वाले सर्कल को कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है। फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। इसकी हाइट हमें अप्लाई करनी है, यहां पर देखिए इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे, इसकी हाइट रहेगी 12 mm और सिंपली ओके कर देना है। फिलेट अप्लाई करेंगे, यहां पर असिमेट्रिक इसकी साइज रहेगी 1.5 mm और यहां पर 3 mm और सिंपली यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फेस सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सर्कल ड्रॉ करना है हमें। स्मार्ट डायमेंशन 11 mm, इसका होल अप्लाई करना है, एक्सट्रूड कट, यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 11 mm, 11 by 11, इसका होल की साइज 11 और इसकी डीप भी 11 हमने अप्लाई की है। अब यहां पर चैम्फर अप्लाई करेंगे, चैम्फर में हम 1.5 और 45 डिग्री यहां पे इनसाइड में अप्लाई करना है, ओके करना है। फिर से चैम्फर एक्टिवेट करेंगे, इस बार हम साइज इसकी 0.5 अप्लाई करेंगे इस एज पर और फिर ओके करेंगे। फिर से यहां पर थ्रेड फीचर एक्टिवेट करना है, फर्स्ट वाले देखिए थ्रेड लोकेशन में फर्स्ट वाला ये सर्कल हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, अप टू सिलेक्शन में इस वाले एज को सिलेक्ट करना है। यहां पर देखिए ब्लाइंड कंडीशन, यहां पे अप टू सरफेस सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम इसकी साइज 13 mm अप्लाई कर देते हैं। यहां पर कोई भी अगर फीचर या कोई भी चीज, कोई भी हम यहां पर फीचर या एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, जो भी हमें यहां पे अप्लाई करना है। जैसे हमने यहां पे
अप टू फेस सिलेक्ट किया है तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम दूसरे मेथड से यहाँ पर थ्रेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक डाई और यहाँ पे इसकी साइज 10x1.5 अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट 2 mm। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेंटेन थ्रेड लेंथ, यहाँ पर इसे टिक कर देना है और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर थ्रेड भी अप्लाई हो गए हैं। यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे तो चैम्फर में इसकी साइज रहेगी 1 mm और इसकी इसका एंगल रहेगा 60 degree। यहाँ पर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे चैम्फर अप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम कुछ ब्रांडिंग दे देंगे, कुछ यहाँ पर इसका लोगो सेट करेंगे या कोई भी आप यहाँ पे ब्रांडिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, यहाँ से इस तरह से। फिर यहाँ पर ऑफसेट, ऑफसेट हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 2.5। यहाँ पर आपको बाय डायरेक्शन तो ये दोनों साइड में सेट हो जाएगा, या हम यहाँ पर इसकी साइज 2 mm अप्लाई कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे फॉर कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इन साइज को डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे तो इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 14.5 mm और यहाँ पर इस सर्कल का डायमीटर 10.5 mm। अब यहां पे इस लाइन को इस तरह से हमें सेट करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर मर्ज पॉइंट कर देंगे। इसी तरह इसको भी हम करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ डिलीट कर देते हैं हम यहां से। यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर इस लाइन को और यहाँ पर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सिमेट्रिक कर देंगे तो इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। फिर इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर कोसेंट्रिक, फिर से यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक कर देना है। फिर यहाँ पर इसे और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है, इक्वल कर देना है। इसकी साइज अप्लाई करेंगे हम 5 mm। तो देखिए इस तरह से हमने ये स्केच ड्रॉ कर दिया है, इसे एग्जिट कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कर्व वाले सेक्शन में जाना है हमें और स्प्लिट लाइन यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। स्प्लिट लाइन में देखिए यहाँ पे सिलेक्शन, तो हम यहाँ पर हमारा जो स्केच है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जिस फेस पर आपको स्प्लिट करना है उसे सिलेक्ट करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे।
देखिए इस तरह से जो स्केच हमने ड्रॉ किया था वो यहाँ पर स्प्लिट हो गया है। अब सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और सरफेस में जाएंगे, ऑफसेट सरफेस हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑफसेट सरफेस, ऑफसेट सरफेस में इस फेस को हमने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे इसकी साइज रखनी है 0, फिर ओके करना है। फिर आपको सरफेस में देखिए यहाँ पे थिकन वाला एक फीचर मिलेगा, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 0.1 mm। यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, थिकनेस अपसाइड, ये हमें अपसाइड में सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये अपसाइड में होगा, सॉरी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। ओनली 0.1 इसे एक्सट्रूड यानी कि इसकी थिकनेस 0.1 हमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे इसका कुछ नाम हम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है हमें इस तरह से। इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 11.5 mm। सॉरी यहाँ पर इसकी साइज 11.5 यानी कि 23 mm हम अप्लाई करेंगे, मैंने इसकी हाफ साइज यहाँ पे टाइप कर दी थी। और फिर से यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसे कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें ब्रांडिंग टाइप करनी है, तो हम यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कैपिटल लेटर, हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे रेगुलेटर स्पेस स्टार स्पेस, यहाँ पे देखिए हमें अपना प्रोफाइल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, स्पेस स्टार स्पेस, फिर यहाँ पर एल स्पेस डॉट पी स्पेस डॉट, फिर यहाँ पर जी, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका यहाँ पे ब्रांडिंग टाइप कर दी है। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट करेंगे इस तरह से और इसकी साइज, इस फॉन्ट की साइज हम चेंज करेंगे। यहाँ पर पॉइंट में हम 8 नंबर इसका अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। देखिए इस तरह से ये और सिंपली ओके कर देना है। अब यहां पर हम रैप फीचर का यूज नहीं करेंगे, तो फिर से हम फीचर में जाएंगे और यहां पर स्प्लिट लाइन में हम ये जो फॉन्ट है इसे सिलेक्ट करना है और इस स्पेस को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह से हमें शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए LPG यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे एडिट में फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका स्पेस चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी सही तरीके से हमें ये फॉन्ट दिख नहीं रहे है, तो हम इसका स्पेस कम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसे थोड़ा और स्पेस बढ़ा देते हैं,
देखिए इस तरह से यहाँ पे सेंटर में हमने सेट कर दिया है। सिंपली ओके करना है और एग्जिट कर देना है। देखिए इस तरह से ये ब्रांडिंग भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो हम इसका जो हमारा ये पार्ट है ये ब्रास का है, तो हम यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पर मेटल मेटल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ब्रास। अब ब्रास में हम देखिए यहाँ पे कास्ट ब्रास हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ कट्स है, उन कट्स और थ्रेड को हम उसका थोड़ा अपीयरेंस अलग करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कट एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड, फिर यहाँ पर कट रिवॉल्व थ्रेड थ्रेड, फिर से कट एक्सट्रूड इसका अपीयरेंस हम अलग से अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर पॉलिश ब्रास, इस फेस को भी सिलेक्ट करना है हमें और यहाँ पर भी पॉलिश। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसका अपीयरेंस यानी मटेरियल इसका अप्लाई कर दिया है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे चेंज करनी है, तो सरफेस ऑफसेट को हम सिलेक्ट करेंगे या थिकन, जो थिकन है उस फेस को सिलेक्ट करना है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम रेड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट स्प्लिट जो हमने यहाँ पे फीचर यूज किया था उससे पहले इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एडिट अपीयरेंस में जाएंगे और इसका कलर रेड अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसे एक्टिव कर देते हैं स्प्लिट लाइन को। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे कुछ लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है हमें, यहाँ पे थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, होल विज़र्ड में जाएंगे, हम यहाँ पे टैप होल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट टैप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर अनसीमेट्रिक टैप्ड होल 8x1.5 अप टू नेक्स्ट पोजिशन। पोजीशन में हमें इस वाली सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इस होल को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका प्लेन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, होल जो होल हमने यहाँ पर सेट किया है उस होल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए मेक ऑन प्लेन, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो है, यहाँ पर मेक ऑन प्लेन पे क्लिक कर देना है, तो ये इसके रेफरेंस में सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डायमेंशन सेट करना है। तो यहाँ पे इस बॉटम वाली फेस से इसकी हाइट रहेगी 7 mm, 7 mm यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, एग्जिट। तो देखिए यहाँ पे होल टैप होल यहाँ पे सेट हो गया, इसमें थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं। तो हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे डिटेलिंग और यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड और ओके।
मिरर, मिरर में जाना है हमें, फिर यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, मिरर फीचर जो थ्रेड हमने 8mm के अप्लाई किए थे उसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में ये थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं इसका 2D ड्राइंग PDF चाहिए तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कीजिए, आपके DM में मैं आपको इसका ड्राइंग सेंड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट इसके बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।